ईश्वक हमारे साथ मौजूद है, दिलीप निशा द फॉर्मर चेयरमैन भीमा हालाम दाऊपा। और हम सबको पता है कि 2012 में डीएसजी ब्लू ब्रदर्स ग्रुप्स और उसके साथ असम गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक एमओएस हुआ था मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, जो बल्कि दिमा हसाओ और कार्बियांग जिले में और कछार जिले में बहुत सारे लोग इनहेबिटेड दिमाशा इलाका है और जहाँ दिमाराजी प्रपोज दिमाराजी का इलाका को लेकर उनको डेवलपमेंट का बाद में बातचीत करके उन लोगों का एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद होम कमिंग सेरेमनी हुआ, मोर देन 2000 कैडर्स दिलीप निशा जी के साथ था, जहाँ डीएसजी के साथ था और उसके साथ एक डीएसजी से। उसके बाद आज तक देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ों में एमओएस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा बाकी है। और इसका बारे में आज सोच लीजिए, 10 साल गुजर गया है एमओएस होने वाला, लेकिन आज तक उनका फिलहाल जो तमाम जो कैडर्स है उनका रिहैबिलिटेशन का बात करें तो उनका जो परमानेंट सॉल्यूशन का अगर बात करें तो किस तरह का है, उसके बाद बात करने का इसको हमारे जो उसमें दिलीप निशा जी जो तो आपसे हम पहले आपको वेलकम करते हैं हमारे। और ये बात है कि आज लगभग 10 साल हो गया है, तो अभी प्रेजेंस कैसा है एमओएस के बारे में अपडेट कर सकते? स्पेशली उन एमओएस बोलने का अगर बोलना तो चाहता हूँ, आज उसका रेफरेंस देने के लिए मैं ये मतलब अनफॉर्चुनेट ये समझता हूँ, क्योंकि इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ असम जो हमारा इशू को रेस्पेक्ट किया था 10 साल पहले, हम लोग का स्ट्रगल हो गया क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट, दैट इज दिमाराजी सेपरेट स्टेट दिमाशा इनहेबिटेड एरिया, और उसमें जो राजा का जितना प्रजा है वी इंक्लूडेड ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एस वेल कचहरी किंगडम, जितना भी है उनको प्रपोज करके हम दिमाराजी स्टेट। अभी से मोर देन 3 decades हो गया और उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ असम ने रिगार्ड किया दिस दिमाराजी इशू इज अ जेन्युइन इशू, इट शुड बी सॉल्व थ्रू ऑन द टेबल थ्रू डिस्कशन, हमको रिस्पेक्ट किया बुलाया। तो लॉन्ग 10 years हम लोग बातचीत किया ऑन दिमाराजी इशू, दिमाराजी इशू का ऊपर में हम लोग कंटिन्यू बात करता रहा। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिमाराजी इशू और द क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट राइट नाउ नॉट पॉसिबल, बट यू शुड गो ऑन योर फाइटिंग डेमोक्रेटिकली, आप लोग बात करते रहो फाइटिंग करते रहो गणतांत्रिक नियम से, लेकिन आपको जो आपका काउंसिल भी हो जो दिमाशा का कल्चर एंड लैंग्वेज एंड अदर नॉन दिमाशा का डेवलपमेंट के लिए भी ये लेके आप एक बार सेटलमेंट में आ जाओ, तो क्यों ना हम भी मतलब जो अभी होगा काल में वो भी ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा तब तो बात करने का सोल्यूशन में आने का एक गिवन टेक पॉलिसी में आने का हमारा विचार आ गया इन द लीडरशिप ऑफ द पीपल सुप्रीम काउंसिल ऑफ दिमाराजी दिमा हालाम दाऊपा, तो हम गवर्नमेंट से एक बातचीत निकल दिया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट का साथ में हम लोग प्रोसेस करा था, उसका बीच में ही इशू काउंटर इशू आ गया, क्रिएशन ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पर फिर भी हम लोग का स्ट्रगल डेमोक्रेटिकली पीसफुल टॉक्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असम एंड द डीएसजी कंटिन्यू रहा। बाद में फाइनली जो काउंटर इशू करने वालों ग्रुप को साथ में भी लेके और जो अदर्स ग्रुप जो हमारा लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अनदर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था उनको भी साथ लेके बातचीत का दौरान और बाद में सेटलमेंट का बारे में निकला। तो 2012 8 अक्टूबर में दिल्ली में एक टेबल में साइनिंग सेरेमनी हुआ, वहाँ में हम लोग का फॉर्मर प्रेसिडेंट जुएल गोरलोसा भी था और उन लोग का लीडरशिप था, हमारा दिमा हालाम दाऊपा से भी था, तो वहाँ में बहुत डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स काउंसिल को पावर आगे बढ़ाएगा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज गैरअप करेगा, दिमाशा नॉन दिमाशा कल्चर एंड लैंग्वेज दिमाशा नॉन दिमाशा का हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का प्रिजर्वेशन वो सबको इंक्लूड करके, हमें सिर्फ डीएसडी का नहीं है सिर्फ दिमाशा का नहीं है, वहाँ में एवरीथिंग इंक्लूडेड टू बी डेवलप द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ दिमाशा एंड द अदर नॉन दिमाशा।
इंक्लूडिंग द एडवांस कम्युनिटी, एडवांस कम्युनिटी बोलने से आप सबको मालूम है उन सबको ले तो, पर फिर भी इसी का बीच में होमकमिंग सेरेमनी हुआ। हम लोग का मोर देन 2000 कैडर्स हमें होमकमिंग सेरेमनी में मेन स्ट्रीमिंग में ज्वाइन हुआ। यूनियन मिनिस्टर का तरफ से, स्टेट मिनिस्टर का तरफ से सब रिप्रेजेंटेटिव आया। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए बोला हूँ अभी आपका सामने कि अभी 10 ईयर्स कंप्लीट होने का चाह रहा है, लेकिन इसी का बीच में एक्सेप्ट 1.5 लाख जो 1.5 एक्स रशिया जो कॉम्पेंसेशन दिया है उसका अलावा, और उसमें भी सबको नहीं मिला है, बहुत लोगों का नहीं मिला। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला दीज कैडर्स वुड बी एब्जॉर्ब इन दी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, आपका डायरी का जरिए हो, एग्रीकल्चर का जरिए हो, स्किल डेवलपमेंट का जरिए उन लोग का रिहेबिलेशन होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और साथ साथ जो भी प्रोजेक्ट 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और DHD का जो कैदार्स का रिहेबिलेशन का प्रोजेक्ट बनाएगा वो सब प्रोजेक्ट को 200 करोड़ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज 9.3 जो क्लोज में है वो सब भी अभी नहीं हो रहा है। और जो 9.3 में जो भी हो रहा है वो भी मिसयूज नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। स्किल डेवलपमेंट जो डिमरा जी वार सोसाइटी की तरफ से प्रपोज किया है 36 करोड़ मोर देन 25 ट्रेन है, वो अभी यूंगरा से शिफ्टिंग करके आरडा में बना रहा है, बहुत सुंदर भी बना रहा है। कल परसों ADG हिरन नाइक ADG साहब भी विजिट किया है। तो फिर भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट किया था कि उसको ओपनिंग किया जाए और उसका साथ और हमें कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज किया जाए, अभी तक नहीं हो रहा है। और सर पानीमूर का राजकुमारी डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी होमस्टे एंड इको टूरिज्म पार्क वो मोर देन 4 ईयर्स 2016-28 मार्च में सेंक्शन हुआ, अभी 5 ईयर्स होने वाला है, अभी तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। दिलावरा संगीबरा एथनिक कल्चर एंड ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ में बना रहा है वो भी शिफ्टिंग हो गया, अभी तो वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। साथ साथ बाकी डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो रहा है, तो उसका वजह साथ साथ उसी का जरिए ही हम लोग सेल्फ रिहेबिलेशन बना रहा था। तो दिलावरा संगीबरा का जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स जो बनाया उसमें जो कम्युनिटी जो कमर्शियल पर्पज जो था 15-20 रूम है, हम लोग का प्लानिंग था, DHD का प्लानिंग था कि रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स होगा पर्पज होगा उसको DHD का फॉर्मर DHD मतलब तो जे भी है हम भी है, तो हमें जो 12 होने से 6 हो गया जे के ग्रुप का, 6 हो गया DHD ग्रुप का, देने से वहाँ में 12 में से एक ग्रुप अगर बना लिया जाए, एक ग्रुप में 10-10 मेंबर्स होने से 6 होने से तो आपको 60 मेंबर इंक्लूड होगा स्वस्थ रिहेबलेट। अभी तो सबको पैसा लेके उसको दे दिया होगा और DHD जे एंड द DHD ऑल द एक्स मेंबर्स आर डिप्राइव फ्रॉम दिस ऑल्सो, तो ये भी गवर्नमेंट का पॉलिसी में हम लोग पार्शियलिटी फिलिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट शुड हैव इम्प्लीमेंटेड दिस प्रोजेक्ट विदाउट एनी पार्शियलिटी, तो वो बात है। और फिर अदर स्कीम में ये सब इम्प्लीमेंटेशन के दिए, जो सेल्फ गवर्नमेंट ने बोला था दिलीप जी यू कम टू द पॉइंट दैट फॉर द नेगोशिएशन ऑफ दिस डिमरजी इशू थ्रू द टेबल थ्रू द पीस टॉक्स ऑन द टेबल, और आपका ये होगा विद द माइटी इंडिया वी हैव लॉट ऑफ फंड, इफ यू सबमिट द DPR यू विल गेट एवरीथिंग। ये नवीन वर्मा साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी नोटिस ड्यूरिंग द पीस टॉक्स शंभू सिंह जी भी बोला था, तो मेनी मेनी बिग पीपल ये इसको बोला था हमको, बट हमने जो दिया था अभी एग्रीमेंट के बाद में जो जो प्रोजेक्ट सेल रिहेबिलेशन के लिए दिया था ये दिस इज गुड फॉर नथिंग, यस ये गुड फॉर नथिंग नहीं है, गुड फॉर एवरीथिंग, बट अभी ये प्रोजेक्ट सब सेल रिहेबिलेशन गवर्नमेंट का प्रपोजल नहीं, हम लोग गवर्नमेंट को प्रपोज करके खुद अपना कैदार्स को रिहेबिलेट करने के लिए बना रहा था। अनफॉर्चुनेट मैं इसलिए बोला है गवर्नमेंट का पॉजिटिव सपोर्ट नहीं है, इतना दरवाजा मैंने नक घटाया घटाया जब ना मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर ना आपका जो भी मिनिस्टर हो मंत्री हो डायरी का जो भी हो और वो प्रोजेक्ट छोड़ के है, बट एवरी हुआ सब जगह में मैंने जैसे आपको बोला अनफॉर्चुनेट सब जगह में हम लोग अपमानित हुआ है। इसलिए इसका पॉइंट से जो आपने पूछने जा रहा है मुझे अभी जो हो रहा है अभी जो होने वाला है
उसको गवर्नमेंट सीरियस से नहीं ले रहा है, इसलिए मैं आपका सामने में अनफॉर्चुनेट बोला। देखा जाए तो अभी बहुत सारा देखने में लगे बहुत एक्सकेटर फिर से जंगल की ओर जा रहा था, जैसे कि राम रिलेशन में देखा कि एक ग्रुप सिक्स पैर में आया है डीएनए में, उसका सही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का लोफोल्स का वजह से, और नया अभी सुनने में आ रहा है फिर एक डीएनएलटी बोल के कोई नया ऑर्गेनाइजेशन अभी नया रिसेंटली खुला गया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का लोफोल्स का वजह से इस तरह का जो है रिपरकशन हो रहा है, आप क्या सोचते हैं इसमें? तो देखिए गवर्नमेंट ऑलवेज प्लेइंग द डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स, दिस इज द डिले डीलिंग प्रैक्टिस, डिले डीलिंग टैक्टिक्स एंड द अदर साइड इशू काउंटर इशू। गवर्नमेंट का विंग्स होगा, एजेंसीज होगा, या गवर्नमेंट का जो लीडरशिप भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये हम डेमोक्रेटिकली आपसे आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट का मशीनरी भी इन्वॉल्व हो सकता है, या गवर्नमेंट का लीडरशिप इन्वॉल्व हो सकता है, या गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर नहीं है तो गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर बनाने वाला कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं बोला वी हैव कम टू द पीस टॉक टू सॉल्व द डेमोक्रेसी इशू टू पीस टॉक्स ऑन द टेबल। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ने अकेला आया, बोरोलैंड में दो ग्रुप था एनडीपी बीएलटी, नागालैंड में बहुत ग्रुप है। डिमारा जी फाइटर जो है ओनली डीएसडी था, दैट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ ज्वेल गर्लोसा। तो एक ही ज्वेल गर्लोसा का अंडर में हम लोग पीस टॉक में आया, और 2004 में मिसगाइड करके किसी ने ज्वेल को दूसरा लगा दिया, जे ग्रुप बनवाया फर्स्ट टाइम। तो उसका बाद में दूसरा को देखिए कार्बी का बीच में यूपीडीएस कैनल अब क्या क्या था, उसका बाद में वो लोग आया है। तो अभी क्या है, हम लोग का जो 17 पेजेस ऑफ एमओएस वहां में 44 रोड्स है, एनेक्शन नंबर 1 में आप देखिए 44 रोड्स है। मैंने मोर देन 200 रोड्स बनाया इन प्रपोज डिमराज एरिया में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट ओनली इंक्लूडेड द प्रेजेंट डिमासाउ डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में 44 रोड्स अभी एनेक्शन नंबर 1 में है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए हिमाचल का ऑल रोड का प्रॉब्लम सॉल्व। और वहां में हमारा कंसल्टेंट ने बोला वर्ल्ड बैंक का 2100 करोड़ खर्चा करने से, और ये 2100 करोड़ का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री किया है, मैंने इफ यू गो थ्रू दी 17 पेजेस ऑफ एमएस। तो वो सब का ऊपर में काउंसिल तथा गवर्नमेंट ने कुछ सीरियस नहीं लिया, और साथ साथ हम लोग का जो मेंबर्स है वो लोग खाने के लिए या पेट के लिए या अपना पैसा जेब भरने के लिए स्ट्रगल नहीं किया। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर पीपल, आवर एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन, हमारा आइडेंटिटी थ्रेटन हो रहा है। हमारा आइडेंटिटी ओनली डिमासाउ द सम डिमासा पॉपुलेटेड एरिया में दे आर स्पीकिंग डिमासास एंड They are in a position to practice their own rights and own something language. Culture and language. यहाँ में भी गम हो रहा है। तो ऐसे सब को देख के the entire 95% of area of the erstwhile Kachari kingdom, their language and culture everything is threatened. That is why we have come out to struggle for the separate Dimaraji state, the Dimaland. Within the Indian Constitution, under the strong historical background, हमने Article 2 and 3 के अंदर में हम लोग struggle किया to create a separate state. वो हमें Article में constitutional right को हमने struggle किया है। तो बीच में जो है उसके ऊपर में बात करने के बाद में जो give and take policy government से हुआ, you continue your democratic movement, your demarcation separate state movement through democratic means. But right now there is no strong possibility for the creation of smaller state. It is just like Dimaraji state. इसके बाद में हम लोग जो किया है, एक सेटलमेंट में आया मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, उसमें सब कुछ है एक्सेप्ट सेपरेट स्टेट, एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर एवरीथिंग। बट हम लोग का जाति और सिर्फ डिमासा ही नहीं है, आप अगर वहां में देखने से डिमासा कल्चर एंड लैंग्वेज लिखा हुआ है, डिमासा मोनूमेंट्स लिखा हुआ है, नॉन डिमासा कल्चर एंड लैंग्वेज लिखा हुआ है, नॉन डिमासा मोनूमेंट्स लिखा हुआ है। मतलब ये जो फाइट है ओनली नॉट फॉर ओनली फॉर नॉन ओनली फॉर डिमासा, मतलब एक सब सीमित नहीं रहेगा, सीमित नहीं, इसलिए मैं क्लियर आपको कर देता हूँ। उसका साथ अभी क्यों झंझट हुआ है, अभी झंझट व्हाई वी आर कंफ्यूजन इन कंफ्यूजन, पजलिंग में क्यों है, पजलिंग नहीं है। इफ ऑल दिस क्लोजेस
पेज में जो है एनेक्शन नंबर 1 जो है उसको अगर गवर्नमेंट यहाँ का डीसी, यहाँ का सीएम, यहाँ का ईएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उन लोग का जो मशीनरी है और गवर्नमेंट ऑफ आसाम का होम डिपार्टमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्टर के अंडर में जो साइन हुआ था, तो उन लोग अगर समझते हैं तो इसको स्टडी करने से वहां में एवरीथिंग था, लेकिन गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस एंड अंडर एस्टिमेट का वजह से अभी सम ऑफ माई कैडर्स, सम ऑफ आवर कैडर्स फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। उन लोग कुछ हम लोग की तरफ से फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन कोई किसी का जरिए से फॉर्मेशन होके वो हमें डीएसडी फॉर्मर कैडर से ज्वाइन हुआ। अभी डिमा असाव कार्बी आंग्लोंग एंड पेन डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेडिंग हो रहा है, तो उसके बाद में सम ऑफ विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमेंद्र बिश्व शर्मा, उनका इनिशिएटिव में कुछ तो सरेंडर भी हुआ होगा। डिमासा नेशनल लिबरेशन फ्रंट उन लोग का जो सेम डिमांड है, इट इज जस्ट लाइक डिमारा जी, तो उन लोग का जो सरेंडर के बीच में भी अभी कोई तो निकल के आया, एक ही जाल में सब नहीं आया, बाकी निकल गया है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, जो आपने पूछा है व्हाई दिस इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अंडर एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मर डीएसडी। ये डीएसडी कोई टूथलेस टाइगर हो गया, कुछ भी नहीं है, हाँ ये समझ के उन लोग तो किया होगा, बट ये सब होने से अभी डीएनएलए जो हुआ है, वो भी डीएनएलए का जो चीफ हुआ, चेयरमैन हुआ, हमारे पीआरओ था इतिका डिबूसा, वहां का कोई ट्रेनिंग कैडर जो गया है मेरा तरफ से गया है, तो मैंने आफ्टर द साइनिंग द एग्रीमेंट, आफ्टर द ज्वाइनिंग द मेन स्टेम, आई हैव नो कंट्रोल ऑन दैट फॉर्मर कैडर, मेरा उनके ऊपर में कोई प्रशासनिक तरफ से मैं उनको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि बोला था कि कुछ करके देगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या हुआ, करोड़ एंड मिलियंस ऑफ पैसा गवर्नमेंट के पास है ट्रेजर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव ने बोला माइटी इंडिया वी हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, बट दिस लॉट ऑफ मनी नेवर यूज्ड इन फेवर ऑफ डीएसडी, फॉर्मर डीएसडी एंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मर डीएसडी एज पर द एश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एसआईबी और सम द एजेंसीज। तो इसके लिए ही ये डीएनएलए हो गया, और डीएनएलए को सामहाउ चीफ मिनिस्टर का अभी फार सेंटेडनेस से उसको निकल के लाया, उसमें लीडरशिप हो गया, हिरेन्द्रनाथ चार हो गया, और ये जीपी सिंह चार हो गया, कोई कोई बड़े बड़े लोगों ने हो गया इन्वॉल्व किया, बट इफ देयर इज नो एनी फीलिंग्स ऑफ व्हाट टू से, देयर इज नो फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और इफ ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज और द मिनिस्टर्स वांट टू प्ले द डिले डीलिंग टैक्टिक्स एंड गेम गेम प्ले ऑन द डिमासस इशू, देन देयर विल बी नो एनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी टू बी प्रिवेल द पीस इन आवर हिल्स एरिया इन द प्रपोज डिमाराजी इनहेबिटेड एरिया। द डिमासस लिविंग इन फाइव डिस्ट्रिक्ट प्लेन डिस्ट्रिक्ट एंड द टू थ्री हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो इसमें मैं इसलिए आपको बोला हूँ कि गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस का वजह से ये क्रिएशन हो रहा है, और अभी डीएनएलए से आपने बोला है, मैं आपका जरिए अभी मिला हूँ, आप मीडिया का जरिए कि डीएनएलए से डिमासा नेशनल लिबरेशन टाइगर ना क्या निकला, तो वो टाइगर लोग फिर सिंह बनेगा, सिंह कुछ बढ़ते रहेगा। इफ देयर इज नो फार साइटेडनेस और द स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और द रूलिंग गवर्नमेंट, तो ये मैं इसलिए मैं इसका दौरान आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने कहा है अभी जो फाइव आदिवासी ग्रुप ने गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट हुआ है, उसमें मैं उन लोग को एनकरेज किया कि कम टू द पॉइंट एंड सॉल्व द योर द ट्राइबल इशू ऑन द टेबल। सम ऑफ आदिवासी लीडर्स आर माय क्लोज फ्रेंड टिल टुडे, तो मेरा बात भी उन लोग सुना है, मैं भी खुशी लगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसको पॉजिटिवली लिया है, लेकिन जो जिसका साथ पहले नेगोशिएशन हुआ वो सब अभी इम्प्लीमेंट नहीं होने का वजह से चीफ मिनिस्टर अभी बोलना पड़ा कि समस्या समाधान उग्रवर्ती समस्या समाधान शेष हो गल एक्सेप्ट डिमासा, डिमासा के लिए समाधान हुआ ना, डिमासा इश्यू के लिए समाधान हुआ ना, सरकार इपर अध्ययन कर लगे। What are the causes behind the Dimasa revolution? Why the Dimasas are coming up
विद आर्म्स एंड एमिनेशन. रूट कॉज तो क्या है? हाँ. उसका रूट कॉज, द कॉजेस ऑफ द मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ असम का, मेनी देयर आर मेनी एजेंसीज, तो उन लोग का जरिए ओनली थ्रू गन, ओनली थ्रू मनी पावर और पॉलिसी से किसी को क्या करेगा, ये करके नहीं होगा. तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला कि डिमासा इश्यूर बादे बाकी इश्यू सब थे. डिमासा इश्यू तो हमें आगे टेकअप करते इतना केले पीछे. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बस सोनवाल साल पास चीफ मिनिस्टर पांच बसर घुसी गल ड्यूरिंग फाइव इयर्स इवन ए सिंगल वर्ड्स इफ आई हैव नॉट मिस्टेकन इवन ए सिंगल वर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड दिस our former chief minister Sarbanand Sonowal ji never said even a single word to rehabilitate the DSD cadres or to implement the memorandum of settlement signed between the their government, the union government and the state government. So isliye main isliye thanks dena chahta hu, although politically, but we have listened, we have seen in the TV that present chief minister of Assam said that except Dimasa problems, all the problems are solved. I am thinking that I would like to point out to Honorable Chief Minister, Dimasa problem will never be solved if government is not has no any strong determination to solve the Dimasa problem, because the Dimasas, the Kacharis, were never a part of Assam. Dimasas or the Kachari kingdom or the Kachari nation was never a part of India also. But still, after the annexation with India, the then British India, now the India independence, in this India also, we are divided, we are scattered, and we are exploited, and we are feeling till today that we are neglected also. Because इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ असम ये सीरियसली लेना है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसको अगर सॉल्व करना चाहता है तो ओनली दोज हु आर इन द सरेंडर ग्रुप उन सबको लेके ही नहीं चलेगा, क्योंकि उन लोग का जो लीडरशिप हो रहा है वी वेलकम देम इन द पीस प्रोसेस, बट स्टिल विदाउट इंक्लूडिंग द मोर देन 2000 कैडर्स लीडरशिप और द अदर ग्रुप जे ग्रुप the peace and other those in the region would not be prevail. That is why I would like to request honorable chief minister of Assam, the home minister, that to look into the matter seriously, and if they are thinking that we are also Indian, then if we are Indian, then why we are different, why we have been neglected, why we have been looked down by our own national government or our own state government. मैं ये बोलना चाहता हूँ आपका सामने. लास्टली आपसे ये जानना था कि अभी एग्रीमेंट हो गया, 10 साल हो गया MOS, और अभी आपके हिसाब से कुछ कुछ जगह में सरकार की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट बोलो या फिर पानी मोर में जिस तरह से कल्चर ये बनाया जाए, तो अभी अगर हम चाहें तो अभी फिलहाल वो तो काफ़ी सारा कैडर्स अभी भी मोर देन 2000 कैडर्स आपका में था, उन लोगों का अभी भी परमानेंट सॉल्यूशन हमने देखा कि बहुत सारा केसेस पेंडिंग है अभी भी, बहुत सारा क्लोजेस्ट एग्रीमेंट किया गया था एक हाइनीस क्लेम को छोड़ करके कुछ उस केस को विड्रॉल करने के लिए, अभी उन सब के बारे में कुछ प्रोसेस हो रहा है कि नहीं? अभी ऐसे नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट ने ये विड्रॉल ऑफ केसेस का ऊपर में स्टेप नहीं ले रहा है, ये नहीं है, लेकिन ये बहुत धीरे हो रहा है, और इसके वजह से मेरा ही अपना ही कैडर्स लोग गाँव से यहाँ आने के लिए पैसा नहीं है, मुर्गी बिक्री करके, भूसी बिक्री करके, सुअर बिक्री करके आने पड़ता है, और पैसा खर्चा हो रहा है, कभी कभी वहाँ में देना भी पड़ता होगा, तो उस सब का वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है. तो दैट्स व्हाई हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल होम मिनिस्टर को कल परसों 9 तारीखों में मैंने मेमोरेंडम, बड़ा मेमोरेंडम दिया है, जो चीफ मिनिस्टर को मैंने हाफलोंग सर्कुलर्स में दिया था, वो वहाँ में जो जो NIA में भी है उन लोग को भी गवर्नमेंट ऑफ आसाम रिकमेंड करे, जो तीन आदमी है लीडर है उन लोग को भी मैं हमारा तरफ से सिंपैथी है, तो इसलिए हम मैं उनका तरफ से भी बोलता हूँ, नॉट ओनली फॉर डेथ NIA पीपल NIA केस जिसके पास लगा हुआ है, हम लोग का जितना भी है, और साथ साथ डिमाराजी मूवमेंट में जितना पब्लिक भी अरेस्ट हुआ है,
पुलिस का जरिया इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, उसको भी डाल दिया केस में, वो सब को भी डिसमिस करने के लिए हमने बोला है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी इनिशिएटिव में कुछ मिस्टेक, दे आर राइटिंग रॉन्ग हिस्ट्री ऑल्सो, कैसे है रॉन्ग हिस्ट्री, इसलिए है जो प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मतलब एमओएस में जो है, वो सब को भी अभी रॉन्ग हिस्ट्री होता है। और जब जब रॉन्ग हिस्ट्री होता है तो रॉन्ग हिस्ट्री के लिए झगड़ा होने वाला अभी बहुत है। आप देखिए पाकिस्तान देखो, इंडिया में देखो, तो अभी राम जन्मभूमि में जब पावर था बाबर ने, अभी जो हिस्ट्री ने बोला, कानून ने उसको करके दिखाया, तो ये द रॉन्ग हिस्ट्री, बाबर ने इसमें मंदिर का ऊपर में मस्जिद बनाया, इसके लिए वो रॉन्ग हिस्ट्री हो गया जब पावर था। तो अभी गवर्नमेंट का पावर है, हमारा एमएस को मिस यूज किया है, हमारा एमएस का ऊपर में उन लोग का जो आपको आप मालूम नहीं होगा, मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम एपीसीडीएल और आसाम का हिल्स डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ कासार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल हिमाचल अफलोंग, उन लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ऋषिकेश उपाध्याय, वो दोनों रिप्रेजेंट करके जो एमओएस का अंदर में जो प्रोजेक्ट हुआ, सोलर पावर प्रोजेक्ट 70 मेगावाट, मोर देन 978 करोड़ का प्रपोजल का हम लोग ने धीमाराज जी वा सोसाइटी का जरिए निश्चित लोग बनाया, अभी अप्रूव हुआ गवर्नमेंट ऑफ आसाम का साथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में, क्या लॉ फॉल्स है सब रिक्वायरमेंट दे दिया। अभी काउंसिल और ऑटोनॉमस काउंसिल और आसाम गवर्नमेंट के एपीसीडीएल के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसमें आपको मैं बोलता हूँ वहां में जो लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड कंसर्न कम्युनिटी। हु आर द कंसर्न कम्युनिटीज? दे आर द जेमी और द डिमासास और द मार्स और एनीबॉडी एल्स। तो एमएस में तो हम लोग ही साइन किया, डीएसडी जो साइन किया ना, उसी एग्रीमेंट में लिखना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम और टू ब्रदर्स ऑफ डीएसडी। टू ब्रदर्स ऑफ डीएसडी हु आर दे? दे आर डीएसडी जे, डीएसडी। तो वो दोनों का नाम क्यों नहीं लिखा एग्रीमेंट में? तो हमें हिस्ट्री में गलती हो गया ना। इन फ्यूचर आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स में कौन मालूम पड़ेगा कि यहाँ में कंसर्न कम्युनिटी डीएसडी ना डीएसडी जे? तो ये मिस्टेकन हो गया, ये रॉन्ग हिस्ट्री को करेक्ट करना है। अभी के पखत में, अभी के डेवलप लीडरशिप में या हेमंत का लीडरशिप में ये सब करने से बेहतर होगा, बट इट मे बी इन बिग ट्रबल इन फ्यूचर। तो ये सब गवर्नमेंट का नहीं करना। तो लास्टली हाँ, तो यही जानना चाहते कि अभी आप अगर देखा जाए तो डिमारा जी मूवमेंट हमारे प्रोग्रेसिव की तरफ से फिर से बीच बीच में मांग के आ रहा है, तो अभी नया क्या कुछ सोच रहा है, क्या उसको मांगे? हम लोग का ये डिमारा जी सेपरेट स्टेट मूवमेंट डिमालन, this is supported by all the communities and religions. More than 62 organization हमारा booklet बना हुआ है, the Dimaraj movement and its solution, एक book है, उसमें Royal Ahom people से लेके all the community support है, और peace talk में सबका cooperation मिला है, बहुत कुछ मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना तक हमको cooperate किया है, और हमने आर्म्स मूवमेंट का जरिए Dimaraj movement को हमने एक बंदूक से तो हम लोग छोड़ दिया, बट वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्मॉलर स्टेट Dimaraj थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, जो कंटिन्यू चल रहा है। स्मॉलर स्टेट मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया में 25 चल रहा है, 25 में से तेलंगाना क्रिएट हो गया, अभी भी 24 तो है, उसमें भी हम लोग भी है, गोरखालैंड से लेके विदर्भ से जो भी हो, तो वैसे हम लोग डेमोक्रेटिक मीन से अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है, और आशा भी है that we have full faith that today or tomorrow smaller states will be created in India, and some of India today journalist said to us 10 साल पहले कि smaller state लेके union of India होगा, United States of India होगा, उसमें Dimaraj भी दिया हुआ है, गोरखालैंड भी दिया हुआ है, तो मैप बना जो जिसने वो जर्नलिस्ट जो जिसका वो दूरदर्शिता है, तो वो लीडरशिप ने जो बनाया, मेरा विश्वास है टुडे और टुमारो दिस विल बी क्रिएटेड एंड अंडर द विद इन इंडियन यूनियन, एंड वहां में सब जाति, दिमाशा, हुकी, जेमे, मार,
ट्राइबल नॉन ट्राइबल सबका भी बेनिफिट होगा, जैसे राजा गोविंद सिंह ने सबको लेके एक साथ रूल किया था, वहां में सबका कल्चरल लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये मूवमेंट जैसे आप लोग ने पहले कोऑपरेट किया है, अभी भी डेमोक्रेटिक के लिए हम लोग करके जाऊंगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, अभी का जो एमओएस बेंजिन पेज ऑफ सेटलमेंट है उसको डिले डिलिंग प्रैक्टिस करता है। देखिए, हिस्ट्री को आप लोग रिमूव नहीं कर सकता, ज्योग्राफी डिवाइड कर सकता है पर हिस्ट्री को कभी रिमूव नहीं कर सकता। जो हमारा जो एमओएस में लिखा है वो हिस्ट्री बन गया, अकॉर्डिंगली अभी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आपको पता है, आपको मालूम है, सबको मालूम है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पीछे में नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत स्वाधीन के लिए लड़ाई किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतना हाईली क्वालिफाइड है, आईसीएस थर्ड पोजीशन इंडिया में पास हुआ, फर्स्ट क्लास ये मेरिट स्टूडेंट था वो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इंडिया के लिए स्ट्रगल किया था, वो उसको गिव अप करके महात्मा गांधी जैसे ना जाति पिता बन गया, नेहरू जी हो गया, पटेल भाई हो गया, तो वो सबको छोड़ के वो जंगल चला गया और दोस्ती तो निकल आता ही है। वे डियर जो वेल डियर जो वे, तो नेताजी सिंगापुर मिला, जापान को मिला, सबको सपोर्ट मिला। तो वैसे ही महाराजी मूवमेंट डेमोक्रेटिक मीन से चलेगा, चल रहा है, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करके उसका ऊपर में ध्यान करके गवर्नमेंट सेटलमेंट सोल्यूशन करने से ठीक है। और ये जहां भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है वहां में नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट आ ही जाता है, तो नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट आने का गवर्नमेंट चांस नहीं देना है। और जो अभी का जो कॉजेस है, तो हम लोग ने दिमाशा के लिए हम लोग सेफरस्थित या जो राजा का एरिया में अभी भी है उन लोग के लिए मैं डिमारा जी, हम लोग डिमारा जी अभी नहीं हो पाया, बट अदर डिमाशा के लिए भी हम लोग डिमाशा बर्मन डिमाशा डेवलपमेंट काउंसिल क्रिएट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम ने बोला कि दिस विल बी डेवलप इम्प्रूव एज ए ऑटोनोमस काउंसिल इन फ्यूचर। तो वहाँ का जो डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो 5 डिस्ट्रिक्ट में डिमाशा लोग है उन लोग का कल्चर एंड लैंग्वेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ असम चिंता विचार करना है, यही है हम लोग की तरफ से। और गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूँ, जो भी गुड इनिशिएटिव कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव डीएसडी ने लिया होगा या अभी डीएसडी के नाम हम परिचित नहीं है, परिचय गवर्नमेंट को नहीं कराता हूँ, मैं कराता हूँ हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी। अभी दिस इज द हलाली मीन्स फर्टाइल लैंड, प्रोग्रेसिव मीन उन्नति, वेलफेयर हो गया, कल्याण हो गया, सोसाइटी समाज है। जो अच्छा जमी का अच्छा डेली को डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करते हैं गवर्नमेंट, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। और उनका लीडरशिप में, हलाली का लीडरशिप में आज अभी क्या क्या इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस चला रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल अंडर द काउंसिल, विच इज नॉट पॉसिबल टिल टुडे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असम, बट वी आर द फॉर्मर डीएसटी गिवन ए एग्जाम्पल दैट वी हैव डन। दैट्स ऑल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये था फॉर्मर डीएसडी चेयरमैन और फिलहाल का प्रेसिडेंट ऑफ हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी। तो हमने एक एक जैसे कि उनका मूवमेंट से लेकर के जैसे कि उसके बाद एमओएस होने के बाद में अभी गवर्नमेंट किस तरह से उनको इंपॉर्टेंस दे रहा है, किस तरह से उनको नहीं, जैसे उनका तकलीफें क्या है, उनका जो है नया जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन होने का वजह क्या है, उन सभी सारी बातों में हमने बातचीत की। और इसको अगर ये एमओएस को किस तरह से गवर्नमेंट अगर इंपॉर्टेंस दे तो लोगों के लिए यहाँ नॉन और जैसा यहाँ का जितना भी जनजाति है, नॉन जनजाति है, और उन सभी के लिए, और यहाँ पर हम कहें तो बाहर में या नॉन डिमासा डिस्ट्रिक्ट बाहर छोड़ के डिमासा यूनिवर्टेड एरिया है, उन सभी सारे इलाका को लेकर सबके लिए उन्नति होगा। और ये सभी सब लोग भी यही चाहते हैं कि उन्नति के साथ हमारे जो है हमारे सभी लोग एक साथ बढ़े। और इनको ये भी बताया कि यहाँ का जो डिमाराजी मूवमेंट है उनका कंटिन्यूस है, और जैसे कि अभी डेमोक्रेटिकली पीपल मांगे जो है नहीं छोड़ रहे, इसकी वजह से सारा डिटेल्स बताया। तो आपने सुना होगा कि किस तरह से अभी फिलहाल जो है गवर्नमेंट इनको का जो है एमओएस को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में जरूर कहीं ना कहीं सरकार इसका इनका जो बातें जो है इनको सुनेगा, और आने वाले दिन में इनका जो है अच्छे दिन आएगा, बोल के आशा करते हैं।